हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस मेलवी टेस्ट पे, जहाँ पे आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सूजी और मटर का बहुत इंटरेस्टिंग नाश्ता, झटपट बन जाने वाला नाश्ता। बहुत ही कम तेल के यूज के साथ हमने इसे बनाया है। इसे आप मॉर्निंग, इवनिंग कभी बना सकते हैं, लंच बॉक्स में पैक करके दे सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी, बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। आज की इस हेल्दी टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिया है 1.5 कटोरी सूजी यानी रवा, हाफ कटोरी यहाँ पे हमने लिया है दही, एक हमने छोटा सा लिया है यहाँ पे चुकंदर यानी बीटरूट, करीब आधी कटोरी बीटरूट है ये हमारा। सबसे पहले हमने बीटरूट को, दही को एक मिक्सी जार में लिया है और एक स्मूथ पेस्ट हमने इन दोनों का बना लेना है। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे बीटरूट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी हेल्दी होता है, ठंड में फ़ायदा करता है, साथ ही इससे हमारे नाश्ते का कलर भी बहुत अच्छा आएगा, इसलिए हमने इसे यहाँ पे ऐड किया था। दूसरी तरफ एक मिक्सिंग बाउल में हमने हमारी 1.5 कप जो हमने सूजी ली है उसे ऐड कर लिया है। साथ में ही यहाँ पे हम ऐड कर देंगे हमारा चुकंदर और दही का जो पेस्ट बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट ये बन के तैयार हुआ है, इसे भी यहाँ पे हमने ऐड कर देना है। सारा बिल्कुल अच्छे से हमने इसे कर देना है मिक्स, एक बार बिल्कुल अच्छे से इसे हमने कर देना है मिक्स। उसके बाद रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से हमने हमारी सूजी को दही और चुकंदर के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है और बस ऐड करेंगे आधी कटोरी पानी। यहाँ पे हमने मिक्सी जार में ही लेके हाफ कटोरी पानी का यूज़ करा है। जिस कटोरी के नाप से हमने दही लिया था उसी कटोरी के नाप से यहाँ पे हमने पानी ले लिया है और सारे ही पानी को हमने यहाँ पे कर दिया है मिक्स। एक बार पहले से चला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें पानी की ज़रूरत है या नहीं है। यहाँ पे हम करीब 2 से 3 चम्मच पानी का भी और यूज़ कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रेंड्स हम करीब 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डालते हुए। और बस हमारा बहुत ही अच्छा सा बैटर बन के तैयार हो गया है और आप हमारे इस बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी हमने इसे नहीं रखा है। यहाँ पर ऐड करा है हमने 1/2 चम्मच नमक और साथ में यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच चीनी। चीनी से बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा, इसलिए 1/2 चम्मच ही, लेकिन चीनी ज़रूर ऐड करनी है। और बस नमक और चीनी को भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे और बिल्कुल बढ़िया सा बैटर हमारा बनके हमारे इस नाश्ते के लिए तैयार हो गया है। और पूरे 1/2 घंटे के लिए हमने इसे उठा के रख देना है रेस्ट होने के लिए। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ले रहे हैं 1.5 कटोरी ही यहाँ पर हमने मटर ली है, ताज़ी मटर का यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। साथ में ले रहे हैं 1 आलू, ज़्यादा बड़ा आलू नहीं है, मीडियम साइज़ का आलू है, अच्छे से वॉश करके हमने इसे कर लेना है ग्रेट। दूसरी तरफ गैस पे पैन रखा है, डाला है उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल, यहाँ पे आप कोई वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और बस तेल को बिल्कुल अच्छे से हमने गर्म होने देना है और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर ऐड करेंगे जीरा करीब 1/2 चम्मच और साथ में यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं राई के दाने करीब 1/2 चम्मच। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से चटकने देना है। उसके बाद ऐड कर देंगे यहाँ पर मटर, गैस हमारी स्लो फ्लेम पर है, मटर को पूरे 2 मिनट के लिए हमें सोटे करना है, ज़्यादा नहीं, जस्ट 2 मिनट के लिए सोटे करेंगे। और उसके बाद ऐड कर देंगे यहाँ पे आलू जो हमने बारीक ग्रेट करके रखा था। आलू ऑप्शनल है, चाहे तो स्किप कर सकते हैं लेकिन आलू से अच्छा टेस्ट आता है। बस इसे भी हमने 2 मिनट सोटे करा था। उसके बाद यहाँ पर हमने ऐड करी 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नमक, साथ में यहाँ पर हमने ऐड करा है 1/2 चम्मच चाट मसाला। बस ये 4 मसालों का ही यहाँ पर हमने यूज़ करा है और पूरी 1/2 कटोरी यहाँ पे पानी डाल के पूरे 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। और बस पूरे 5 मिनट बाद मैशर की हेल्प से मटर को अच्छे से मैश कर लेंगे, जिससे कि जब हम हमारा नाश्ता बनाए तो उसमें इसकी हम स्टफिंग करने जा रहे हैं वो आराम से हम स्टफ़ कर सकें। सर्दियों में ताज़ी ताज़ी मटर खाने का मज़ा ही कुछ और है, इसलिए हम भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं मटर का बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट नाश्ता, बहुत ही ईजिली बन जाने वाला, बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाला। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मटर को हमने बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया है, सारे मसाले भी हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं और इसे 5 मिनट के लिए हमने उठा के रख देना है, जिससे कि ठंडा हो जाए। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा स्टफिंग मटर की बनके हुई है तैयार। यहाँ पे दूसरी तरफ फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने ली हैं कटोरियाँ, जिन्हें हमने ग्रीस कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा ले सकते हैं, पर इस नाश्ते को थोड़ा छोटी ही कटोरी में बनाएंगे तो अच्छा बनेगा देखने में भी और खाने में भी अच्छा लगेगा। और बैटर हमारा 1/2 घंटे में अच्छा फ्लफी हो गया है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल प्रॉपर है, हमें इतना ही गाढ़ा बैटर हमारा चाहिए था। इस लेवल पे अगर आपको नीड लगती है, बैटर गाढ़ा लगता है, तो आप 1 से 2 चम्मच पानी और ऐड कर सकते हैं। और बस यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं फ्रूट सॉल्ट यानी इनो, यहाँ पर हमने ऐड करा है, साथ में ही यहाँ पर हल्का सा पानी डाल दिया है इसे एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पर हमने 1/2 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा
फ्रूट सॉल्ट ऐड किया है। हल्के हाथों से हमने इसे मिक्स कर देना है एक ही तरफ चलाते हुए। और बस अब कटोरियों में करीब 2 से 3 चम्मच बैटर हम डालेंगे। नीचे की तरफ सभी कटोरियों में हमने इसे डाल देना है और साथ में ही इसके ऊपर हम रख देंगे हमारी स्टफिंग जो हमने मटर की बना के तैयार करी है। थोड़ा सा हमने इसे टिक्की की फॉर्म में कर लिया है जिससे कि ईजिली हम इसे हमारी इन कटोरियों में हमारे इस बैटर के ऊपर इस तरह से रख सकें। और बस सारी ही कटोरियों में हमने हमारे इस मटर की स्टफिंग को रख देना है और ऊपर से अगेन हमें बैटर से इसे कर देना है कवर। बहुत ही कम तेल में बनने वाला आज का हमारा नाश्ता है जिसे हम करेंगे स्टीम, जिसके लिए हमने एक बड़े बर्तन में यहाँ पर रख दिया है थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए। और बस हमने हमारी कटोरियों को भी ऊपर से इस बैटर से कर दिया है कवर। और बस सारे ही कटोरियों को सेट कर रहे हैं एक छन्नी में कुछ इस तरह से जिससे कि हम इन्हें ईजिली स्टीम कर सकें। दूसरी तरफ पानी भी हमारा गर्म हो गया है। हमारी छन्नी को हमारे इस पानी के ऊपर रख देंगे पूरे 15 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे रखा है और पूरे 15 मिनट बाद आप खुद देखेंगे कि आपका ये नाश्ता बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार है। आप इसे फॉक की हेल्प से या टूथपिक की हेल्प से देख सकते हैं। अगर बैटर बिल्कुल भी आपका निकल कर नहीं आ रहा, जैसा कि हमारा बैटर बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये बनकर तैयार है। इसे निकाल के हमने रख दिया था पूरे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए, और पूरे 5 मिनट बाद ही हमने हमारे इस नाश्ते को कटोरियों से निकालना है, नहीं तो ये टूटने लगेगा। बहुत ही हल्के हाथों से करते हुए इसे निकालिएगा और बहुत ईजिली निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कितना ही स्पंजी ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसका स्पंज आप इसकी जाली से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी जालीदार नाश्ता हमारा बनके तैयार हुआ है। बस हमने सारा ही नाश्ता हमारा इसी तरह से कटोरियों में से निकाल लिया है। वैसे तो हमारा ये स्टीम फूड सर्विंग के लिए तैयार है, बट आप चाहें तो हमारी तरह इसे राई और कड़ी पत्ते में फ्राई कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे हमने पैन में लिया है 2 बड़े चम्मच देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे और ऐड करेंगे यहाँ पे 2 साबुत लाल मिर्च, साथ में ही राई आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा, और थोड़ा सा यहाँ पे हमने लिया है कड़ी पत्ता। तीनों को अच्छे से हमने सोटे कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे गैस की फ्लेम को स्लो करके ऐड कर देना है हमारा सारा ही ये नाश्ता। और दोनों ही साइड से बस 2-2 मिनट के लिए हमने इसे स्लो फ्लेम पर राई और कड़ी पत्ते में कुक कर लेना है। इससे ज़्यादा नहीं, बस 2-2 मिनट में ही आप देखेंगे हल्की सी गोल्डन लेयर दोनों ही साइड पर आ जाएगी। इससे ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में भी और देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2-2 मिनट के लिए हमारे दोनों ही तरफ से इस नाश्ते को रख लिया था और पूरे 4 से 5 मिनट बाद इसे अच्छे से कुक करने के हमने गैस की फ्लेम को कर देना है बंद और एक एक करके हमने हमारे इस नाश्ते को निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया दोनों साइड से कुक करने के बाद, और आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं बहुत ही स्पॉन्जी बना है। एक बार आप इसे देख सकते हैं, हम इसे कट करके दिखा रहे हैं आपको कितने अच्छे से ये कट हो गया, कितनी स्मूथली और बहुत ही स्मूथ, बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही सॉफ्ट हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इसे नारियल की चटनी के साथ या हरी चटनी के साथ बनाएं, एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो कैसी लगी हमारे साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।